Hello my loves, welcome back to the channel. Thank you so much for watching. My name is Sanjana and welcome back to Nykaa Haul. तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ समर एसेंशियल प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किए हैं लास्ट मंथ एंड फाइनली मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर कर दूँ तो आप भी अपने लिए परचेज कर सको. तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो करना, कमेंट करना और प्लीज़ टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो भी कर सकते हो. सो विदाउट मच फॉर द अड्यू लेट्स स्टार्ट द हॉल. नायका हॉल है तो लेट्स स्टार्ट विथ नायका प्रोडक्ट. सो मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया है नायका का फाउंडेशन. सो इस बार मैंने उनका मिनी साइज परचेज किया है. उन्होंने अभी रिसेंटली मिनी साइज वाले जो प्रोडक्ट है उनके सेल करना शुरू करे तो यू कैन चेक आउट. सो फर्स्ट मैंने जो परचेज किया है प्रोडक्ट ये है नायका का स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. सो दिस इज हाउ द मिनी साइज लुक्स लाइक. हाउ क्यूट इज दिस एंड यू विल गेट 7 ml ऑफ प्रोडक्ट और उसका प्राइस है 149 rupees. तो गाइस उसी के मैंने बताया समर्स आ चुका है तो हमारा स्किन जो है हाइड्रेशन खो देता है. दिस फाउंडेशन हैज हाइड्रेटिंग पावर जो आपके जो स्किन का हाइड्रेशन को मेंटेन करता है प्लस आपको बहुत ही स्मूथ टेक्सचर देता है. तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए क्योंकि ये मिनी साइज में अवेलेबल है. तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका फुलर साइज भी परचेस कर सकते हो. फुलर साइज आई थिंक 30 ml का आता है और उसका प्राइस है 500 something और इसमें आपको 2 shades ही अवेलेबल है मिनी साइज में. एक है प्योर आइवरी 01 और एक वार्म सैंड 03. तो मैंने परचेस किया है वार्म सैंड 03. ये मेरे स्किन के साथ थोड़ा सा मैच करता है. अगर आपको ये वाला फाउंडेशन अच्छा लगे तो आप फुलर साइज परचेज कर सकते हो जिसका 5 shades अवेलेबल है. तो या गाइस ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज दिस ऑन माय स्किन और बहुत जल्दी बताऊंगी कैसा फाउंडेशन है. सो या दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है फ्रॉम नायका. तो सेकेंड प्रोडक्ट भी है फ्रॉम द ब्रांड नायका. सो मैंने परचेस किया है दिस इज देयर नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन स्टिक. दिस इज मल्टीपर्पज स्टिक. यू कैन यूज एज अ फाउंडेशन, एज अ कॉन्टोर, एज अ कलर करेक्टर, एवरीथिंग. तो मैंने इसको परचेस करा है फॉर कॉन्टोरिंग माई स्किन. तो इसका जो शेड है 07 टॉफी चिसेल. सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. अंदर आपको स्टिक वाला फाउंडेशन मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. हाउ प्रिटी इज दिस. तो गाइस इसका प्राइस है 500 something बट मुझे डिस्काउंट मिल गया. मुझे मिला ₹473 आई गेस. सो ये काफ़ी क्रीमी है. यू कैन सी काफ़ी क्रीमी है. वेरी गुड फॉर कॉन्टोरिंग और समर्स में अगर आप क्रीम वाले चीज़ें यूज़ करते हो तो अच्छा है. अगर पाउडर वाले यूज़ करोगे ना वो बहुत जल्दी धुल जाएगा. सो मैंने सोचा कि ना कॉन्टोर भी मैं स्टिक वाला परचेस कर लूँ ताकि मेरा जो मेकअप है स्टे होके रहे. और नायका के सारे प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं तो मैंने आँखें बंद करके परचेस कर लिया एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस वन ऑल्सो. सो गाइस ये थे मेरा सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है फ्रॉम नायका. गाइस थर्ड प्रोडक्ट भी फ्रॉम द ब्रांड नायका है. सो आई बॉट दिस देयर नायका लिप्स डोंट लाई लिप लाइनर एंड आई पर्सनली लव टू लाइन माई लिप्स. अगर आप भी लिप लाइनिंग करना पसंद करते हो तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट देयर लिप लाइनर्स. बहुत ही अच्छे होते हैं. प्लस ये जो प्रोडक्ट है ना वाटर प्रूफ है. यू कैन लाइन योर लिप्स और यू कैन ऑल्सो यूज एज अ लिपस्टिक. और इसका क्रीमी फॉर्मूला है जो बहुत अच्छे तरीके से आपके लिप्स में ग्लाइड होता है. तो इसका प्राइस है गाइस 350 rupees एंड मैंने इसका जो शेड परचेस किया है ये है 5T ब्रुनेट और मुझे इस तरीके का ब्राउन कलर का शेड चाहिए था. तो मैंने सोचा इसको ही मैं ट्राई करूं और मुझे अच्छा लगे तो मैं दूसरे कलर्स भी ट्राई करूंगी. और सबसे अच्छी बात है कि ये न्यूड शेड में है जब इसको एज अ लिपस्टिक भी यूज कर सकती हूं. और समर्स है तो लिपस्टिक आप अवॉइड करें क्योंकि लिप्स ड्राई हो जाता है. सो दिस इज द रीजन आई बॉट दिस लिप लाइनर. आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज दिस वन. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है वो नायका का नहीं है, डोंट वरी. इस बार मैंने परचेस किया है ये मेबलिन का फिट मी मेबलिन का ये कंसीलर. सो मैंने परचेस किया है इन द शेड 20 cent. तो मेरे पास कंसीलर खत्म हो चुका था और इस प्रोडक्ट के ऊपर ना डिस्काउंट चल रहा था. बहुत ही अच्छा मौका था. ये इसका प्राइस है गाइस 499 rupees बट मुझे पड़ा 399 का. काफ़ी अच्छा डील था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको परचेज कर लूँ. और सबसे पहले जब मैंने कंसीलर यूज़ करना शुरू करा था ना मैंने शुरू करा था स्विस ब्यूटी से और नेक्स्ट मैंने परचेज करा था ये फिटमी का जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. तो जब मुझे दिखा कि डिस्काउंट में है तो मैंने फटाफट से पिक कर लिया. और इसका जो टेक्स्चर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है और क्रीमी टेक्स्चर काफ़ी अच्छा है इसका. और बहुत सारे ऐसे कंसीलर मैंने परचेस भी करे थे जो बहुत जल्दी सूख जाते हैं और अच्छे से कवर भी नहीं करते आपके जो अंडर आइज को एंड आपके फेस को अच्छे से हाईलाइट भी नहीं करते हैं. दिस कंसीलर इज जस्ट अमेजिंग. तो मैंने सोचा फटाफट से कर लो उसको परचेस. तो या गाइस ये था मेरा फोर्थ प्रोडक्ट जो मैंने परचेस करा है एंड मेकअप के वीडियोज आगे आएंगे. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो या दिस माई फोर्थ प्रोडक्ट.
नेक्स्ट तो प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मेरा रिव्यू पर्पस के लिए मैंने परचेस करा है, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर मैंने काफी अच्छे रिव्यूज देख रखे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, इसका यूज करने के बाद ही इसके बारे में आपको मैं बता पाऊंगी। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस करा है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड एक्वालॉजिका। दिस इज देयर हाइड्रेट एंड हाइड्रेट प्लस सनस्क्रीन। इसमें कोकोनट वाटर है प्लस हाइलुरोनिक एसिड है। तो गाइज इसमें भी SPF 50 है। तो नेक्स्ट जो मैंने सनस्क्रीन ही ऑर्डर करा है, दिस फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट। इसका भी जो SPF 50 है, दोनों के जो SPF है 50 है और दोनों 400 के अंडर आते हैं। तो इतना ही मैं आपको दे पाऊंगी इनका अभी इन्फॉर्मेशन, और जो इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आएगा जो मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी। तो ये था समर एसेंशियल जो मैंने जो परचेज करा है फॉर रिव्यू पर्पस, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी अच्छे ब्रांड के हैं और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इनके ऊपर थे, तो सोचा ट्राई किया जाए। सो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट। नायका से ऑर्डर करो आपको कुछ फ्री भी ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने नायका के बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस कर लिए। तो मुझे नायका का ही एक शैम्पू फ्री मिला है, दिस इज देयर नायका नेचुरल्स रिटाइन सिकाकाई शैम्पू। सो दिस इज हाउ द मिनी पैकेज लुक्स लाइक। बहुत ही क्यूट सा पैकेजिंग है। मैं इसको अपनी मम्मी को दे दूंगी, देखूंगी उनको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो उसका फुलर साइज भी परचेस करूंगी। सो ये था मेरा फ्री भी और लास्ट प्रोडक्ट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज हॉल। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, और सारे प्रोडक्ट के मैंने लिंक दे रखे हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जाके चेक कर सकते हो एंड परचेस कर सकते हो फॉर योर सेल्फ। सो या गाइस, विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन स्टे गॉर्जियस एंड रिमेंबर आई लव यू गाइस सो मच। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।